साधारण ब्याज का पार्ट थ्री है, साधारण ब्याज का पार्ट थ्री। अगर आप लोग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट का क्वेश्चन नहीं देखे, जाइए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखें एवं कॉन्सेप्ट के साथ, एक बार में आप क्वेश्चन को समझ में, क्वेश्चन एक बार में आएगा। प्राची 550 रुपये की 5% दर से साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज पर लेती है, 4 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। इसमें मूलधन, मूलधन P बराबर 550 रुपया, उसके बाद 5% दर से R बराबर 5%, उसके बाद 4 वर्ष के बाद T बराबर 4 वर्ष, 4 वर्ष उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, 4 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि अदा करना होगा, मिश्रधन पूछा गया क्वेश्चन में। अब मिश्रधन निकालने के लिए मिश्रधन पूछा गया, तो R बराबर कितना है 5%, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, उसके बाद 1/20, 1/20 उसके बाद 20 होगा मूलधन, 1 होगा इंटरेस्ट ब्याज, उसके बाद करना क्या है, कितना वर्ष है 4 वर्ष, 4 से इंटरेस्ट में गुना करिए 4 से, उसके बाद निकल कर आएगा मूलधन कितना है, मूलधन 20 मूलधन, यहाँ मूलधन 550 बराबर होगा 1 बराबर 550, मूलधन कितना है, मूलधन जो है 20 है, मूलधन 20, इंटरेस्ट कितना 4। अब पहले मिश्रधन, मिश्रधन बटा मूलधन सेम रहेगा, मूलधन से मूलधन कितना 20, मूलधन 20, मिश्रधन कितना 20 और इंटरेस्ट कितना है मूलधन, मिश्रधन निकालने के लिए, जैसे कि मिश्रधन निकालने, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट, तो मूलधन कितना है 20, इंटरेस्ट 1 को 4 से 4 कितना 24, तो मिश्रधन 24 हो गया, मिश्रधन 24। अब मिश्रधन 24 और मूलधन सेम 20, उसके बाद 20 बराबर मूलधन कितना है 550, 550 रुपया, 1 बराबर 550 बटा 20, 0 0 ख़त्म, 55/2, 55/2। अब जो है हमको निकाला गया क्वेश्चन क्या, कितनी धनराशि अदा करना, मिश्रधन हमको पूछा गया, मिश्रधन, मिश्रधन निकालने के लिए मिश्रधन, मिश्रधन कितना 24 है, मिश्रधन कितना 24, 24 को 1 बराबर कितना 55/2 काटिए 12 बार में, 12 को 55 से गुना करिए, 12 को 55 से, 55 को 12 से 10, बाकी 10 से 11, 5 और 5 6, 660 रुपया आंसर निकल कर चला गया, कितना 660 रुपया इसका आंसर। उसके बाद दूसरी विधि से, दूसरा विधि से एस आई बराबर आर गुने टी, आर गुने टी, अब जो है आर गुने टी, एस आई बराबर आर गुने टी, तो आर कितना है, आर है 5%, 5% गुने टी, वर्ष कितना 4 वर्ष, 4 वर्ष गुना करिए 20, 20%, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, तो 20 × 5 = 100, 1/5, 5 से 6, क्योंकि हमें मिश्रधन, मिश्रधन निकालना, तो मिश्रधन निकालने के लिए ए बराबर मिश्रधन, मिश्रधन ए से निरूपित करते हैं, ए से कितना है मूलधन कितना 550, 550 रुपया गुने 5 से 6, 6/5, 5 × 5, 5 × 5 = 0, 110 को 6 से 660 रुपया आंसर निकल कर चलेगा, 660 रुपया। इस टाइप से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एस आई बराबर आर गुने टी, 5% है आर का मान दर का, और गुना टी का 4 वर्ष, गुना के 20%, 20% प्रति हटेगा 100 से भाग, 1/5, 5 से 6 बढ़ गया, 1 ऊपर 1 है 6, कितना है मूलधन कितना 550,
गुने छ बटा पाँच काटे 660 रुपया आंसर निकल कर चला आया। इस टाइप से क्वेश्चन करिएगा। आर वाला कितना पाँच है, दर कितना 5 प्रतिशत में, प्रतिशत 100 से भाग बराबर 1/20। उसके बाद कितना वर्ष है, 4 वर्ष, 4 से इंटरेस्ट में गुना करेंगे, 4 हो जाएगा। उसका मूलधन सेम रहेगा, मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन प्लस इंटरेस्ट, मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन प्लस इंटरेस्ट 20 और 4 जोड़ेंगे 24, 24 हमको मिश्रधन निकल कर आया। उसके बाद मूलधन कितना 20 और मूलधन असली में कितना है 550, दिए भाग दिए 55/2 निकला। तो मिश्रधन हमको निकाला, क्वेश्चन कहा गया बाद में उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी, कितनी धनराशि उसे, तो मिश्रधन को पूछा गया, मिश्रधन कितना, मिश्रधन पूछा गया, मिश्रधन 24 गुने 1/55/2, 55/2 से गुना किए 660 रुपये आंसर निकल कर चलाया। क्वेश्चन में कहा गया किसी राशि का मिश्रधन 5 वर्ष में 3.1/3% की साधारण ब्याज दर से 7,000 रुपया हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में मिश्रधन 5 वर्ष, तो टी बराबर 5 वर्ष, उसके बाद 3/1/3% क्या है दर कितना आर से निरूपित करते, 3.1/3% दर है। उसके बाद उस साधारण ब्याज दर से 7,000 रुपया हो जाएगा, क्या 7,000 रुपया हो जाएगा। तो मिश्रधन 7,000 रुपया है, मिश्रधन 7,000 है। हमको क्या पता है, मूलधन हमको निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में आर कितना है, दर 3.1/3%, 10/3% है, 10/3% प्रतिशत जब हटाएंगे, प्रतिशत जब हटेगा 100 से भाग, तो 10 × 10 खत्म, 0 खत्म हो गया, कितना 1/30, 3×10 = 30, तो 3 जो हो जाएगा मूलधन, 1 जो होगा इंटरेस्ट ब्याज, 1 जो हो जाएगा ब्याज हो जाएगा, कैसे वो देखिए, 1 ब्याज तो कितना वर्ष है 5 वर्ष, 5 में ब्याज में गुना कर दीजिए। उसके बाद मिश्रधन और मूलधन निकल जाएगा, मिश्रधन और मूलधन निकल जाएगा, तो मूलधन कितना, मूलधन तो सेम रहेगा 30, अब मिश्रधन 30 और 1 को 5 से गुणा करिएगा तो 5, 30 × 5 = 35, तो मिश्रधन 35 होगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट ब्याज, तो मूलधन कितना 30, इंटरेस्ट कितना 1 को 5 से 5 जोड़िएगा 35, तो हमको मिश्रधन कितना 35 निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में, तो मूलधन कितना है 30, 30 बराबर कितना है मूलधन नहीं है पता, कितना मिश्रधन पता है, मिश्रधन कितना 35 बराबर मिश्रधन कितना 7,000, तो 1/7,000/35, 35 × 70 200, तो 1/200 निकल गया, 200 रुपया निकल गया, 1/200। तो मूलधन हमको पूछा गया, क्वेश्चन मूलधन पूछा गया, तो मूलधन कितना है, मूलधन को पूछा गया, मूलधन में यहाँ 200 × 200 निकला, तो मूलधन निकालने के लिए मूलधन कितना यहाँ 30 है, 30 को 1/200 से गुना करिए, 200 रुपया से गुना, कितना देगा 3×2 = 6, उसके बाद 3×0 = 6,000 आंसर निकल कर चलेगा, कितना 6,000 आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। अगर आपको इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाए, अगर मिश्रधन दिया है तो मूलधन पूछा जाए हम कैसे निकाले वो देख लिए, उसका मूलधन दिया है मिश्रधन कैसे निकालेगा वो भी इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। दूसरा विधि से कैसे क्वेश्चन को बनाइएगा, दूसरा विधि से SI बराबर R × T, उसके बाद R कितना है, R है दर कितना 3.1/3, तो 3×9 = 10/3, 10/3% गुना कितना है वर्ष, कितना 5 वर्ष, उसके बाद 10×5 = 50,
बटा 3 प्रतिशत, प्रतिशत जब हटेगा 100 से भाग, 100 से भाग, 50 दुना 100 कितना 1/6, 6 से 7 हो जाएगा, क्योंकि 50 दुना 100 तो 3 दुना 6 1/6। मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालने के लिए कितना है 6 से 7 7/6। अब देखिए मिश्रधन कितना है 7000 तो 1 = 7000 ये भाग में है गुना में, भाग में है तो गुना में हो जाएगा 6 और 7 गुना में तो भाग में 7 × 7 1000 6 से गुना करिएगा 6000 आंसर निकल कर चलाएगा, कितना 6000 आंसर निकल कर चलाएगा। अगर हम मिश्रधन अगर पूछ मिश्रधन अगर निकालना होगा तो डायरेक्ट हम गुना करेंगे, जैसे कि अगर उससे पहले वो बताएं इससे पहले क्वेश्चन इस टाइप से करना है, मूलधन निकालना तो कैसे करना है और मिश्रधन निकालना होगा तब किस तरीका से बनाना है, इस टाइप से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगर परसेंटेज का और डिस्काउंट का क्वेश्चन नहीं देखें, जाइए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखिए कितने समय में रुपया 4000 का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपया में 400 होगा, कितने वर्ष में, वर्ष पूछा गया तो टी हमको मालूम है वर्ष, उसके बाद 4000 रुपया, तो 4000 पी बराबर मूलधन 4000 रुपया, मूलधन 4000 दिया हुआ, उसके बाद 6% आर बराबर 6% दर दिया हुआ है, उसके बाद साधारण ब्याज 400 रुपया, एस आई साधारण ब्याज 400 रुपया, उसके बाद करना है साधारण ब्याज रहे या ब्याज रहे तो करना क्या है वो देखिए, उसके बाद एस आई कितना, अब एक फॉर्मूला होता है सूत्र एस साधारण ब्याज एस आई को साधारण ब्याज कहते हैं SI = P × R × T बटा 100। SI साधारण ब्याज कितना है 400 बराबर मूलधन 4000, आर दर कितना 6%, टी वर्ष मालूम नहीं है इसको मालूम करना है, बटा 100। अब 100 को 400 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 400 × 100 बराबर 4000 × 6 × T वर्ष। अब वर्ष निकालना है तो टी बराबर 400 × 100 बटा ये भाग में हो जाएगा तो 4000 × 6 यहाँ 3 0 इधर 2 0 एक 3 0 खत्म, नीचे 3 0 ऊपर 3 0 खत्म, उसके बाद 4 × 4 ऊपर बचा 10 नीचे 6 तो 3 × 6 5 × 10 तो 5/3 वर्ष, क्योंकि टी बराबर वर्ष हमको निकल गया तो वर्ष निकल गया, क्वेश्चन में कितने वर्ष तो वर्ष में पूछा गया तो ऑप्शन देखिए महीना है, कितना महीना, अब जो है वर्ष को महीना में चेंज कीजिए तो 5/3 वर्ष महीना में चेंज कर ले 12 से गुना करिए, 3 × 12 हो गया तो 3 × 12 हो गया, 5 को 4 से गुना करिए 20 महीना आंसर निकल कर चलाया, क्योंकि वर्ष में है महीना में आंसर लाना है तो 12 से गुना करिए कितना 20 महीना आंसर निकल कर चलाया, इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। अब देखिए दूसरा तरीका क्वेश्चन में, जैसे कि कितना है साधारण ब्याज या ब्याज रहे तो आपको करना क्या है, कितना 400 है तो 400 है तो आपको करना क्या है, दर आपको निकाल लेना है, दर
कैसे निकाले वो देखिए। जगह आपको जैसे कि इसमें कितना है 400 रुपया ब्याज है या साधारण ब्याज है, तो करना क्या आपको, अब जो 400 है तो क्या होता है, फार्मूला होता है R बराबर इंटरेस्ट बटा मूलधन। तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 400 बटा उसका मूलधन कितना है, मूलधन 4000। दर जब निकाल रहे प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से गुना तो 0 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 4 1 4 कितना 10%। 10% हमको क्या आर दर हमको निकल गया, दर निकल गया। अब जो करना, दर जब आर निकल गया 10% तो 10% हमको आर निकल गया। अब जो करना क्या क्वेश्चन में, उसके बाद कितना दिया हुआ, मूलधन 4000 दिया हुआ और दर कितना 6% दर दिया, 6% दर दिया हुआ। अब जो करना है, अगर आपको ब्याज, अगर ब्याज में तो आपको करना क्या, अगर आर निकालना होगा तो टी से भाग देना होगा, टाइम से भाग देना होगा। अगर टी निकालना होगा तो आर से भाग देना होगा, आर से भाग देना होगा। हमको निकालना क्या है, टी निकालना है तो वर्ष कितना है और दर कितना है 10%। उसके बाद दूसरा दर कितना है 6%, ये दर निकला। और उसके बाद कितना दर है 6%, प्रतिशत से भाग दिए, प्रतिशत खत्म। उसके बाद 5 × 10 और 3 × 6 इसको काटे, 5 × 10 3 × 6 तो टी बराबर हम 5/3 वर्ष निकल गया, वर्ष निकल गया कितना 5/3 वर्ष। हमको लाना क्या, महीना में आंसर लाना है। तब महीना में आंसर लाने के लिए 5/3 गुने 12 से गुना कर देंगे तो 3 × 12 उसके 5 को 4 से गुना करें 20 महीना, 20 महीना आंसर निकल गया, 20 महीना आंसर निकल कर चलाया। इस टाइप से भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर आपको साधारण ब्याज यहाँ है, साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज रहे या ब्याज सिर्फ रहे, तब आपको इस तरीका से करना है। R बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट बटा मूलधन। मूलधन निकाल लिए कितना 400 है इंटरेस्ट, मूलधन 4000, क्योंकि प्रतिशत में R होता है प्रतिशत में, तो 100 से गुना किए 10% आ गया हमको। उसके बाद अगर हमको R निकालना होगा तो T से भाग देंगे अगर हमको T निकालना है तो R से हम भाग देंगे। R कितना है 6, R निकला पहला कितना निकला 10%, एक R कितना है 6%, इससे हम भाग R से भाग दे दिए तो हमको T निकल कर चलाया वर्ष, तो कितना 20 महीना आंसर निकल कर चलाया। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा 1600 रुपया धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपया है, तो ब्याज दर क्या है, आर दर पूछा गया। क्वेश्चन में देखिए 1600 रुपया धनराशि, तो पी मूलधन बराबर 1600 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया 2 वर्ष 3 महीना, तो टी बराबर 2 वर्ष 2 वर्ष 3 महीना। उसके बाद देखिए इसको करना क्या, इसको पूर्णांक बनाना कैसे वो देखिए, 2 वर्ष कितना 3 महीना 12। उसके बाद 2 वर्ष 1/4 हो गया। अब जो है इसको निकल के आएगा 4 × 8 = 9, 9/4 वर्ष इस टाइप से निकालना है। उसके बाद जैसे कि उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया साधारण ब्याज 252 रुपया है, SI 252 है,
252 रुपया है। अब देखिए क्वेश्चन में, अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, 252 है, 252 है तो ब्याज दर पूछा गया, आर हमको पूछा गया, आर पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन में तो आर पूछा गया, अब देखिए इसका फार्मूला होता है वो सूत्र एसआई बराबर मूलधन गुने आर गुने टी बटा 100। अब देखिए एसआई कितना है, 252, मूलधन कितना 1600, आर कितना मालूम नहीं है, टी कितना, वर्ष कितना है 9/4, 9 ऊपर नीचे 4, नीचे में कितना 100 है, आर हमको निकालना है, इसको इससे गुना हो जाएगा तो 252 गुने 4 गुने 100 बराबर 1600 गुने आर गुने 9, तो आर बराबर 252 गुने 4 गुने 100, आर निकलेगा भाग में हो जाएगा 1600 गुने 9, 2020 खत्म, यहाँ बचा 16, यहाँ ऊपर 4 × 16, नीचे 4 और 9, ऊपर 252, 9 × 2 = 18, बचा कितना 7, 9 × 8 = 72, ऊपर 28 बचा नीचे 4, 4 कितना 28 होगा 7 बारी में, तो 7% आर बराबर आंसर निकल कर चलाएगा, कितना आर बराबर 7%, क्योंकि 8 को 28 को 4 से भाग देगा 7 × 28, तो 7% आपको निकल जाएगा आर बराबर 7% आंसर। उसके बाद देखिए दूसरा टाइप से, दूसरी विधि से क्वेश्चन कैसे करना, कितना वर्ष है 9/4 वर्ष, तो 9/4 वर्ष किसके बराबर होगा, किसके बराबर, एसआई साधारण ब्याज के बराबर होगा, कितना साधारण ब्याज है 252 रुपया, 252, तो एक वर्ष बराबर 4 भाग में गुना हो जाएगा, 252 में 4 से गुना 9 भाग में कितना कटेगा, 9 × 2 = 18 बचेगा 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, क्योंकि एक वर्ष बराबर 28 को 4 से गुना करिए, 28 को 4 से 8 × 32 = 3, 8 × 11 = 112, 112 रुपया निकल कर चलाया, 101 वर्ष में 112 रुपया इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट 112 रुपया। अब जो आगे क्वेश्चन में कहा गया तो ब्याज दर क्या होगा, आर पूछा गया। अब देखिए आर बराबर क्या होता है, दर बराबर इंटरेस्ट बटा मूलधन, इंटरेस्ट कितना है 112 रुपया, मूलधन कितना, मूलधन 1600, दर निकालेंगे 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना तब तो प्रतिशत में आंसर आएगा, प्रतिशत में 0 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म, 112 को 16 से भाग दीजिए 7 बार में, 7% आंसर निकल कर चलाएगा, आर बराबर 7% आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, वर्ष बराबर साधारण ब्याज के बराबर होगा, वर्ष जो होगा साधारण ब्याज के बराबर होगा। क्वेश्चन देखिए, 15,000 रुपये की धनराशि एक वर्ष में ब्याज की एक निश्चित दर से 15,900 रुपया हो जाती है, तो ब्याज दर क्या होगा, दर पूछा गया आर। अब देखिए क्वेश्चन कितना है, मूलधन पी बराबर 15,000, उसके बाद एक वर्ष, तो टी बराबर एक वर्ष दिया हुआ, उसके बाद निश्चित दर से 15,900 रुपया हो जाता है, तो मिश्र धन,
मिश्रधन 15,900 रुपया हो जाता है, 900 रुपया हो जाता है। उसके बाद दर पूछा गया आर बराबर, दर पूछा गया। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में करना क्या है, दर पूछा गया, तो दर पूछा गया तो देखिए इसमें करना क्या, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट। मिश्रधन, मिश्रधन कितना है 15,900, मूलधन कितना है 15,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमको मालूम नहीं है, इंटरेस्ट निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, 15,900 और 15,000 इधर आएगा तो माइनस में, तो 15,900 माइनस 15,000 हमको इंटरेस्ट निकल के आया कितना, 9,000 इंटरेस्ट, क्योंकि 15,900 से 15,000 घटेगा तो 900 रुपया, 15,900 रुपया। अब मैं 15,000 घटेगा कितना, 900 रुपया बचेगा हमको इंटरेस्ट, कितना ब्याज, ब्याज हमको कितना 900 निकल के आया। अब देखिए तो दर हमको पूछा गया, दर पूछा गया तो आर बराबर, आर बराबर इंटरेस्ट बटा मूलधन। इंटरेस्ट कितना है 900 रुपया, 900 मूलधन, मूलधन है 15,000 क्योंकि आर आता हमको प्रतिशत में, तो 100 से गुना, 2 0 2 0 खत्म, यहाँ बचा 1 0 1 0 1 0 खत्म, 90 को 15 5 70 और उससे पहले 75 90 15 70 15 90 कितना बन आएगा, 15 5 70 होता है, 15 35 75 75 90 15 6 90 तो 15 6 90 हो जाएगा 6 बारी में, 15 15 30 45 75 90 6 बारी में। तो हमको जो निकल के आएगा 6% आर बराबर, 6% आर बराबर निकल गया, आर बराबर 6%। अब जो देखिए आर बराबर 6% निकला तो हमको क्वेश्चन में ब्याज दर पूछा गया, ब्याज दर, तो ब्याज दर पूछा गया, ब्याज दर जब पूछा गया तो हमको क्या आर पूछा गया, आर पूछा गया। अब देखिए आर जब पूछा गया तो करना क्या है, आर हम निकालते हैं, आर निकालने के लिए टी से भाग देते हैं, टी से भाग देते हैं, टी निकालने के लिए आर से भाग देते हैं, तो हमको ब्याज दर, तो आर, आर कितना ब्याज है, ब्याज कितना 6%, किससे भाग देंगे टी से, टी से भाग देंगे तो आर निकल जाएगा, टी कितना है 1 वर्ष, 1 वर्ष से भाग दिए 6%, आंसर निकल कर चल आया। यहाँ जो है आर बराबर इंटरेस्ट बटा मूलधन निकाले, हमको कितना प्रतिशत में आया। अब जो है क्वेश्चन में कहा गया ब्याज दर क्या है, आर हमको पूछा गया ब्याज दर, तो आर हम निकालेंगे तो टी से भाग देंगे, टी से वर्ष से भाग देंगे, तो आर हमको कितना निकला 6%, 1 से भाग दिए, 1 से वर्ष से भाग दिए 6% आंसर निकल कर चलाया। यहाँ भी देखिए आर बराबर 6% निकल गया, लेकिन हमको इस तरीका से बनाना है क्योंकि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज रहे तो आपको हम बता चुके इसके पहले क्वेश्चन में, अगर साधारण ब्याज, ब्याज रहे तो ब्याज अगर रहे आपको अगर आर निकालना होगा तो वर्ष से भाग देना होगा, और टी निकालना होगा, वर्ष निकालना होगा तो आर से भाग देना होगा, तो आपको निकल के आंसर चलाएगा।